हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्टैंडिंग सॉन्ग पे रील वीडियो को एडिट करके सिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे और बहुत सारी क्रिएटर अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को एडिट करके डाल रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को एडिट करके बताऊँगा कि मैंने ऐसे कैसे एडिट किया है और आप लोग कैसे एडिट कर सकते हो। अगर आपको भी जानना है तो इस ट्यूटोरियल को पूरा देख लेना, ताकि आप लोग सेम टू सेम एडिट कर पाओगे एंड सारा फिनिशिंग के साथ आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा। तो देखो, सबसे पहले आपको VN एप्लीकेशन के अंदर एक ब्लैक स्क्रीन वगैरह को ओपन कर लेना है, जिसके अंदर मैंने जितना भी ट्रांजैक्शन वगैरह, इफेक्ट और जितना भी लिरिक्स है और आप लोग पार्टिकल्स देख सकते हो, सब चीज़ को मैंने मैनेज कर दिया है। तो आप लोग ओपन कर देना। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से आ जाना म्यूज़िक वाले सेक्शन के अंदर और आप लोगों को मैं ये वाला म्यूज़िक प्रोवाइड करवा दूँगा, तो इसको चूज़ कर लेना। ओके, सॉरी गाइस, ये वाला म्यूज़िक नहीं है। हम लोग यहाँ से बैक आएंगे एंड अगेन चलेंगे अपने म्यूज़िक वाले सेक्शन के अंदर। एक वीडियो पड़ा है, उसके अंदर से मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हो मैंने अपने मॉडल को ओपन कर लिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव लग रही है। तो इस तरीके से आप लोगों ने एक वीडियो को शूट कर लेना है। तो अपना जो वीडियो होगा वो 9 या फिर 10 समथिंग इतना कुछ होगा। तो आप लोगों, अगर आपकी जो वीडियो की ड्यूरेशन हो छोटी हो, तो इसको आप लोगों ने इंक्रीज़ कर लेना है। जैसे कि मेरी छोटी है तो इस चीज़ को मैं इंक्रीज़ करूँगा, स्पीड पर आऊँगा और रेगुलर पे आके कुछ इस तरीके से मेरे को माइनस करना है। उसके बाद मैं कर्व टूल के अंदर आके इसको थोड़ा सा और डाउन करूँगा इस तरीके से। ओके, अभी हम लोग देख लेते हैं हमारा जो गाइस वीडियो है वो 9 सेकंड का हो गया एंड म्यूज़िक भी काफ़ी परफेक्ट तरीके से लग गया। तो ये चीज़ को आप लोगों को कर लेना, अगर बड़ा हो तो स्प्लिट वगैरह कर लेना, ठीक है। तो अभी हमारा इतना वर्क कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप लोगों ने अपने स्काई को लगाना है, और मैं नहीं बताऊंगा कि स्काई कैसे लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कैसे लगाया जाता है, बार बार बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो मैं इस चीज़ को कम्प्लीट करता हूँ। ओके गाइस, तो अभी आप लोग देख सकते हो हमारा जो स्काई वाला पार्ट है वो लग चुका है। तो इस तरीके से आप लोगों को लगाना है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लग रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको टैप करके मेरे को फ्रंट में लेकर आना है जहाँ तक हमारी वीडियो। तो मैं यहाँ से इसको इंक्रीज़ करके यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा। उसके बाद आप लोगों को ब्लेंड पर जाना है और इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देना, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एंड अपने बैकग्राउंड से आप लोगों का मर्ज करेगा। एक और चीज़ बता देता हूँ, जिससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लुक क्रिएट करेगा। तो आप लोग रख सकते हो ब्लेंड पर आना, और थोड़ा इधर आओगे तो आप लोगों को ओवरले गाइज मिल जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी परफेक्ट तरीके से मैच हो चुका है। और ओपेसिटी वगैरह आप लोग थोड़ा कम कर सकते हो, तो मैंने रख लिया है यहाँ से 67। तो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लुक यहाँ पे दे रहा है, आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ आप लोग चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन गाइज़ मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि मैंने प्रीव्यू में आप लोगों को नहीं करके दिखाया था, तो मैं नहीं बता सकता, ठीक है ना। ये चीज़ अगर आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सुपर हुआ है। तो ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है, डन गाइज। इतना वर्क आप लोगों को VN एप्लीकेशन के अंदर करना है, बहुत ज़्यादा छोटी वीडियो होने वाली है एंड सब चीज़ आपको बता दूंगा। अभी हम लोग इस चीज़ को एक्सपोर्ट कर लेंगे, और फाइनल रिटच देने के लिए आप लोगों को अपने VN एप्लीकेशन के अंदर आना है, Precool एप्लीकेशन के अंदर आना है, और उसके बाद हम लोग वहाँ पर अपने एडिटिंग को कम्प्लीट करेंगे। मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ से। तो Precool एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद आप लोगों को डायरेक्ट फिल्टर वाले सेक्शन के अंदर आना है, थोड़ा सा राइट जाना, एक ब्लू इस नाम का इफेक्ट मिलेगा, ये चीज़ आप लोगों को अप्लाई करना है। आप लोग देख सकते हो ये वाला, हम लोग इसके ऊपर टैप करेंगे एंड इसकी जो मैनुअली सेटिंग है वो आप लोग कैसे रख सकते हो बताने वाला हूँ। हम लोग इसके ऊपर टैप करेंगे और सबसे पहले इसका जो फिल्टर है वो मेरे को समथिंग इतना रखना है 23, और फिर करेंगे राइट पर क्लिक। उसके बाद आप लोगों को एडजस्ट टूल के अंदर आ जाना है। ओके, तो एडजस्ट टूल के अंदर आएंगे, सबसे पहले मेरे को यहाँ से एक्सपोजर को डाउन करना है, और यहाँ से मैं कॉन्ट्रास्ट को, जो ब्राइटनेस है उसको भी माइनस करूँगा। यहाँ से हम लोग थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को, और ये जो हाईलाइट है इसको भी हम लोग माइनस कर लेंगे एकदम 100। शेडो वगैरह आप लोग देख सकते हो, तो मैं शेडो गाइस रहने दूंगा, बिल्कुल भी मैं टच नहीं करूँगा। उसके बाद आप लोग फेड वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हो, तो फेड नहीं रखना है, अच्छा नहीं लग रहा है। सैचुरेशन वगैरह दे सकते हो, और टेम्परेचर आप लोग अप डाउन करके देख सकते हो। तो थोड़ा इंक्रीज़ करोगे तो वार्म टोन, माइनस करोगे तो ब्लू टोन। तो ये चीज़ को हमने पहले ही कर लिया था। थोड़ा शार्पनिंग को दे देते हैं, और यहाँ से आप लोग थोड़ा विग्निटी वगैरह मैं थोड़ा सा दे देता हूँ। उसके बाद आप लोग इधर जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे ब्लर वाला, अगर ब्लर चीज़ देना चाहते हो तो दे सकते हो, और इधर आप लोगों को एक GoPro वाला इफेक्ट भी मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो। तो ये चीज़ चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा सुपर लगेगी। डन, इस चीज़ को कर देना, राइट पे क्लिक है, हमारा जो वीडियो एडिटिंग का वर्क है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आप लोग अपनी मर्जी से एक दो इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो, लाइक डस्ट वाला, ओके ना, होलो हो गया, स्टोरी हो गया, ये सब जो इफेक्ट है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं एंड हर कोई क्रिएटर यूज़ करता है, किसी भी टाइप की रील हो। ये 3-4 फिल्टर गाइस हमेशा यूज़ किया जाता है, तो अगर आप लोगों की चॉइस है कर सकते हो, नहीं तो इतनी वीडियो जो है ना, नहीं तो इतनी वीडियो भी बहुत ज़्यादा सुपर लग रही है। तो मैं आप लोगों को वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से लग रही है, ठीक है। तो गाइस, ट्यूटोरियल कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना, और मैं डेली कुछ कोशिश करता हूँ कि इंस्टाग्राम से रील से रिलेटेड ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कवर करूँ।